आया दुनिया है सारी शहर उम्र सर्दी कोई रीज़ ना खुले खाते चल दे अपनी मतरिया जिथे मर्जी तू बैठी लग फीस ना। थैंक यू सो मच भाई। जाना है आपको? किसको जाना है? निकलो। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ यार, नहीं मत जाओ, बैठो आराम, मजा आएगा भाजी। सो माय नेम इज परविंदर। लोग कहते हैं बादशाह कॉन्ट्रीब्यूशन इज ह्यूज इन म्यूजिक। म्यूजिक में बादशाह ने कॉन्ट्रीब्यूशन की क्या? टोनी कक्कड़। टोनी कक्कड़ पता है? कोका कोला दू एंड देन 30 सेकंड। तू आदमी है ऑस्ट्रिच साले, बता क्या तू? हम कौन कर सकता है ऐसे? अपनी सगी गर्लफ्रेंड को कोई बोल सकता है बेबी कैसी लग रही? बेबी कहती कोका कोला। बोल सकते हो बाजी? आप बोल सकते हो? आपको लड़की पूछे बेबी कैसी लग रही? बेबी कहते फैंटा लग रही है तू। ला उस पर पोइट्री भी सुन, तेरा करा दू शैंटा, तू लग दी मेनू फैंटा। कर सकते हो? आगे से आएगा चैंटा। दिस इज अ बैड वन, जस्ट लाइक बादशाह लिरिक्स। बट पंजाबी गानों का कल्चर है, क्रेज है, सब सुन रहे हैं सब ऑब्वियसली। पंजाबी गानों सबसे ज्यादा पंजाबी गाने कंज्यूम कहाँ हो रहे पता है? दिल्ली में। क्योंकि जो हम गाने सुन रहे हैं वो दिल्ली वालों को समझ नहीं आ रहे, जो दिल्ली वाले सुन रहे हैं उनको दिल्ली वालों को लिरिक्स नहीं समझ में आ रहे, कुछ भी सुनी जा रहे हैं। सैड सॉन्ग पे म्यूजिक डाल के नाचना शुरू कर देते हैं। सखिया ने मैनू मैंने मारना, भैंच सैड सॉन्ग है। अमेजिंग है, दिल्ली के लड़के बड़े मस्त हैं। दिल्ली के लड़के लड़कियां दोनों ही, स्पेशली जनकपुरी के, है ना? दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। उड़ता हुआ तीर होता है मैडम, भाला भाला भी नहीं, छतरी। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? ऐसे बता दो, नहीं आते आपके पीछे पीछे। मैंने देखा है जिनकी ठोड़ी पे तिल होता ना लड़कियों की, अलग ही क्यूटनेस। ऑब्वियसली ऑफकोर्स। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? नॉट इवन दिल्ली, नॉट इवन दिल्ली। पता है द्वारका लोग किडनैप होके लेके जाते हैं। हाँ भाई, कहाँ किडनैप करके लाओ लड़की को? बिजवासन। जनकपुरी की लड़कियां, इन्होंने दुनिया को एक स्टेटमेंट दिया विच इज आई एम अ माउंटेन बर्ड। मेरी एक फ्रेंड है, उसने लिखा था आई एम अ माउंटेन बर्ड। कब लिखा था? मैं पूरी स्टेटमेंट बता दूं। मनाली गई है पहली बार लाइफ में। पहली बार लाइफ में गई है मनाली, उसके पहले सिर्फ एक बार गई थी मूर्थल। मिट्टी मुट्टी खा के वापस आ गई। मनाली गई है पहली बार, वॉल्वो से उतरते ही सुबह 6:30 बजे स्टेटस डाल दिया आई एम अ माउंटेन बर्ड। फिर नीचे वॉल्वो वाले का कमेंट आया, दीदी शर्म करो, 6 बारी बस रुकवाई आपने उल्टी करने के लिए। उसके नीचे कंडक्टर पोइम डेडिकेट कर रहा, टू द माउंटेन बर्ड हू ट्रैवल्ड इन वॉल्वो, हियर इज अ पोएम डेडिकेटेड टू यू। निगा मार द आई, मैं पूरा रास्ता विट्ठा कर दिया। माउंटेन बर्ड। Hi guys, I hope liking the video, but अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, पर बीच में छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन आपको पॉप इन कर दें, स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन। लोमो करके गैप आई है, ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, इस पर आप ट्रेड कर सकते हो मल्टीपल चीज़ों पे, लाइक शेयर्स ऑफ गूगल, एप्पल एंड गोल्ड, सिल्वर एंड दूसरे देशों की करेंसीज, डॉलर्स, यूरोस, किसी भी चीज़ पे आप ट्रेड कर सकते हो। बड़ा सिंपल है, आपको सिर्फ प्रिडिक्शन करनी है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एसेट का प्राइस ऊपर या नीचे। अगर ऊपर चला गया, आपने प्रेडिक्ट किया ऊपर, आपकी प्रेडिक्शन सही हो गई, तो पैसा आपके अकाउंट में 24 घंटे में विड्रॉ करवा के उसके बाद नोटों पे सो जाओ। बट इसको यूज कैसे कर रहे हैं? अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले होता है कि यार हमें आती नहीं ट्रेडिंग, सबका यही होता है कि हमें अच्छे से कैसे प्रैक्टिस के बिना कैसे। तो नेट प्रैक्टिस के लिए 65,000 आपके अकाउंट में आएंगे, विच इज आप विड्रॉ नहीं करवा सकते, बट उससे आप सीख सकते हो कि कैसे आपको डमी, इट्स अ डेमो अकाउंट, तो डेमो आपको मिल जाएगा, ट्रेनिंग मिल जाएगी कि कैसे आप यूज कर करके ट्रेड अप ट्रेड डाउन क्या कर सकते हो, उसको कैसे पैसा कमा सकते हो। उसके बाद आपको अपना अकाउंट बनाना है, उसमें डालने हैं मिनिमम 350 रुपये। मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो 350 और मिनिमम, तो टोटल 700 मिली है, ठीक है? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लो। बताता हूँ कैसे, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मैंने मान लो 500 रुपये का बोला कि गोल्ड का प्राइस अप जाएगा, वो चला गया अप, या डॉलर का प्राइस अप जाएगा, वो चला गया अप। मुझे जितना भी ट्रेड का वो होगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मेरे अकाउंट में मेरा प्रॉफिट आ जाएगा विद इन 24 आवर्स, मैं उसको विड्रॉ करवा सकता हूँ। है कि नहीं सिंपल? है कि नहीं बढ़िया? कमाओ फिर पैसे।
एंड सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी, वेस्ट दिल्ली के लड़कों ने दुनिया को एक ऐसी चीज दी है जो दुनिया को चाहिए ही नहीं थी, दैट इज तीखे जूते। तीखे लोफर्स बिना जुराबों के साथ पहनते हैं ये, टाइट पैंटे पहनी होती इन्होंने जो टकनों से 2 इंच ऊपर खत्म हो जाती हैं। देखिए वो, देखिए वो जिनसे देखिए वो जो आते हुए आएंगे पूरे एटीट्यूड के साथ, वो अटका हमारे साथ या लिमका के साथ, मैं कहा थप्पड़ हाथ से या पैर से। एंड ये सारे के सारे साले टिंडर पे हैं एवरीबडी, मतलब अपनी सुहागरात के बाद भी वर्जिन होते हैं ये। तो सुहागरात तो क्या कर, बातें करी ब्रो, बातें कह रही थी, बातें करनी है। मतलब और लड़के भी लिख रहे हैं आजकल, आया मैं सीपीओ सेक्शुअल, लड़कियां लिख रहे हैं, मैं लड़के भी लिख रहे हैं, तो तुझे मिल रहा है इतना बहुत नहीं है। मारवाड़ियों ने दुनिया को एक ऐसी चीज दी विच इज वेरी यूनिक। नवरात्रे सुने हैं सबने, नवरात्रों का बेसिक फंडा क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, डिटॉक्स करना है, भगवान को याद करना है, दैट्स इट। 15 साल पहले मारवाड़ियों ने सोचा कि ये 9 दिन हम खाली क्यों छोड़ें, वी आर बिजनेस पीपल। इन्होंने कुट्टू लिया, फिर किया मार्केट में कुट्टू का नंगा नाच। आज की डेट में कुट्टू का सब कुछ आ रहा है नवरात्रों के दिनों में। पहले क्या होता था, 3 मील खाते थे, अब देखना जनकपुरी की अंटियां 9-9 मील खा रही है नवरात्रों में। इंटरमिटेंट फास्टिंग करके 9 किलो वेट बढ़ रहा है इनका। क्यों? क्योंकि कुट्टू के चिप्स, कुट्टू की खिचड़ी, कुट्टू की पूड़ियां, कुट्टू के नाचोस, कुट्टू का डैश, कुट्टू का लसन, हर चीज में कुट्टू आ चुका है। इनको मत बताना। हमारा पैक्ट हो गया। इसके बेचारी को समझ नहीं आया, पीयर प्रेशर में हंस पड़ी है। नहीं आया ना समझ? नहीं आया ना? अजी आपको तो आ गया ना, नहीं समझाना। जा रही है ऐसी, ऐसे क्यों यार? आई एम फ्रॉम द्वारका, वाई? ट्रेन में ट्रैवल किया हुआ किसने? ट्रेन में सब ट्रैवल करते हैं, राइट? ओके, तो दुनिया में 2 टाइप की ट्रेन है, एक जिनमें बैठ के जाते हैं, दूसरा जिनमें सो के जाते हैं, शताब्दी एंड स्लीपर ट्रेन। शताब्दी ट्रेन में कभी भी देखना, रैंडमली अंताक्षरी चल रही होती है, जिस डब्बे में 4 लड़कियां इकट्ठी बैठ गई वहां अंताक्षरी शुरू हो जाती है, क्योंकि लड़के कभी नहीं अंताक्षरी खेलते। लड़कों ने अगर आज तक कभी अंताक्षरी खेली है तो उस ग्रुप में लड़की है। 5 लड़के इकट्ठे बैठे हैं, कोई बोल देना अंताक्षरी, 4 रह जाते, चल तू लौंडिया साले, मारा प्रजिता मारा भाज, अंताक्षरी खेलेगा तू, है साड़ी पहन के यूं यूं कर ले, मुझे ना दिखाऊ तेरे को, साला अंताक्षरी खेलेगे। वही लड़का, वही सेम, ये माचो मैन, कोई लड़की बोल देना, मैम आपका नाम क्या है बता, सच्ची रंजना, रंजना बोल देना, लेट्स प्ले अंताक्षरी गाइस, रंजना, संजना, रचना, रचना बोल देना कि लेट्स प्ले अंताक्षरी, पाजी बिल बिल, माए नी माए मुंडे रुपए तेरी बोल रहा, मजा ले, टिक टिक 10 होने दे दे, टिक टिक 9 पे आ जा, मौज जाए मौज जा, हाँ भाई हम्मा हम्मा, चलो जेड से भी गाना रेडी कर रहा था इन्होंने। रचना बोले जिस दिन उस दिन। तो शताब्दी में अंताक्षरी कॉमन चल रही होती है, इतनी कॉन्टेजियस गेम है अंताक्षरी, कभी भी देखना अंताक्षरी, सो डैम कॉन्टेजियस कि अगर आप ट्रेन के कोने में भी बैठे हो ना, एक कोने में, आप दूसरे कोने में हो, अंताक्षरी वहां चल रही है, मैं यहां बैठा हूं, 72 और 1 इतना डिफरेंस है बीच में, आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ दैट गेम, मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन चल रही, अम्मा अम्मा, मैं दूसरे कोने से लगा हुआ हूं। एंड ऐसा नहीं है कि यू कांट बी अ पार्ट ऑफ इट, ये रूल ही नहीं है, इफ यू आर इन दैट डब्बा यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अंताक्षरी, कोई ना कोई तुम्हें उठा ही देगा, तुम नैप ले रहे एकदम से, भाई साहब टिक टिक 10 होने वाला है, मैं कहा तू टीटी है साले। कहता भाजी टीटी हूं 10 साल से, पर आज तक टिक टिक 10 की नौबत नहीं आने दी, दिल्ली आ जाता टिक टिक 10 नहीं होता। मैं कहा कितनी सीटें इस डब्बे में? कहता 72। मैं कहा लोग कितने काउंट कर? कहता भाजी 82। मैं कहा टिक टिक 10।